अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो एक्सरसाइज 2.3 है सेवन्थ क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स। हमने ये बताया था कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए थे क्या वो पॉलीनोमियल हैं या नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो इसमें पूछा गया है, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल्स गिवन इन क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 की जो सारी पॉलीनोमियल्स थी ना, ये सारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 वही पॉलीनोमियल्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लेनी है। हमने ये बताना है कि इनकी हाईएस्ट डिग्री क्या है पॉलीनोमियल की। देखें बच्चों, आसान सा मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी बताने के लिए, पॉलीनोमियल की डिग्री कैसे पता चलती है। हम देखते हैं वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो इसमें वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये वाई है। यहाँ पे वाई वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी पावर 1 है, बट यहाँ पे पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट होती है ना जिस वेरिएबल की पावर, वही उस पॉलीनोमियल की डिग्री होती है। तो अब यहाँ पे ये जो ए एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल है इसकी पावर इस पूरी पॉलीनोमियल में से हाईएस्ट है। तो हम कह सकते हैं कि द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 2 होगी। द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। तो इसका आंसर बच्चों ये है। तो इसमें उर्दू मीडियम बच्चे लिख सकते हैं कि इस कसी रकमी का दर्जा 2 है। द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। अब देखें सेकंड नंबर पार्ट है जिसमें पॉलीनोमियल दी गई है 2/3 x² - x/4+1/16। अब वेरिएबल एक तो ये आ गया एक्स, दूसरा वेरिएबल ये है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर इसकी इस इक्वेशन जो दी गई है इसकी डिग्री होगी। यहाँ पे एक्स की 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट डिग्री भी 2 है क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। तो यही हमारा आंसर होगा, द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। इसके बाद करते हैं पार्ट नंबर 3 बच्चों। इसके बाद आ गया है पार्ट नंबर 3। देखें x³ - 4x² + 1/x। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो वेरिएबल ये है x जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री भी 3 होगी। तो हम लिख देंगे द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 3। तो यही इसका जवाब होगा। इसके बाद देखें पार्ट नंबर 4 है, इसमें वेरिएबल ये है x, यहाँ पे x है, इस यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है। तो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी वैल्यू होती है, वही उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे 2 है, तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री भी 2 होगी। द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 2। बड़ा आसान से क्वेश्चन है, जस्ट आपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है और वो इसकी डिग्री होगी। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। तो बच्चों पार्ट नंबर 5 बड़ा समझने वाला पार्ट है। अब इसमें देखें ये दो वेरिएबल्स आ गए, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई। तो टोटल इसकी डिग्री कितनी बन गई? 2 और 1 3। और यहाँ पर देखा जाए तो 3। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3 ही होगी क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो यहाँ पे 3 कैसे? अब ऐसा नहीं है कि x के हम काउंट कर लें, अब दो वेरिएबल है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना x और y। तो 2 और 1 3। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, हमें पता चल गया कि हाईएस्ट डिग्री 3 ही है। द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 3। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री है 3। इसके बाद पार्ट नंबर 6 है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है एक्स और जिसकी पावर भी, जिसकी कोई पावर ना हमें पता होता है, 1 होती है। तो यहाँ पे पॉलीनोमियल की डिग्री भी 1 है। हम क्या लिखेंगे? द डिग्री ऑफ, मैंने यहाँ डिस लिख दिया था, यहाँ पे दान है, द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 1। तो इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है? 1 है बच्चों। इसके बाद है लास्ट 2 पार्ट्स, पार्ट नंबर 7 और 8। पार्ट नंबर 7 में हम देखेंगे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिनमें एक्स की हाईएस्ट जो पावर है, डिग्री है, वो 3 है और इसकी पावर 1 है। तो 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो टोटल इस पॉलीनोमियल की जो डिग्री है वो अब 4 होगी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट अगर एक्स क्यूब होता, वाई ना होता, तो हम कहते 3, बट एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 और 1 4। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 4। जैसे हमने ऊपर वाले पार्ट में देखा था 2 और 1 3, तो इसकी पॉलीनोमियल की डिग्री 3 थी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, हाईएस्ट डिग्री 3 थी। अगर यहाँ पे 4 बन जाता, यहाँ पे 2 होता, तो तब भी ये वाली आनी थी 3। जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना, वही पॉलीनोमियल की डिग्री होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, सॉरी। द डिग्री ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज 3 और 1 4। तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 बन गई, यही वेरिएबल था, तो यही इसकी पॉलीनोमियल की डिग्री होगी। अब यहाँ पे जी वेरिएबल आ गया, यहाँ पे जी की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाली हाईएस्ट है,
या टू बड़ा है ना, टू पावर बड़ी है इससे, तो हम बताएंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री टू है. द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज टू. तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? टू होगी. इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो गया है.